सो अस्सलाम वालेकुम गाइज़ तो कैसे हो आप सभी लोग आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और अच्छे से होंगे तो गाइज़ आज मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग एक दिन में या थर्टी डेज़ में कैसे अपने वन के सब्सक्राइबर्स कम्प्लीट कर सकते हो थाउजेंड सब्सक्राइबर्स बहुत ही बड़ा नंबर है मैं खुद जानता हूँ मैं मुझे कितना ज़्यादा टाइम लगा था वन सब्सक्राइबर्स पूरा करने में और एक बात मेरे खुद के दो घंटे में एक हज़ार सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए थे तो वैसे ही ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करूंगा आप लोग भी कैसे एक दिन में अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी तो आपके एक घंटे में एक सब एक वन थाउजेंड सब्सक्राइबर्स होंगे या एक महीने में या दस दिनों में आपके वन के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो अगर आपको भी ये ट्रिक जाननी है तो वैसे ये मेरा टॉपिक नहीं है बहुत सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे डी किए कि आपके जो शॉर्ट्स वीडियो हैं इनमें कैसे अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं और आपके सब्सक्राइबर्स इतने अच्छे कैसे बढ़े तो मैं आपको पहले ही बता दूं ऐसी ट्रिक मैंने खुद अपने चैनल पे ट्राई की अगर आप भी करोगे तो 99 परसेंट आप लोगों को व्यूज़ आना स्टार्ट हो जाएंगे और आपकी चैनल की ग्रोथ अच्छी खासी हो जाएंगी तो आपको क्या करना है मैं आपको आज इस वीडियो में ये बताऊंगा टाइमिंग क्या होती है यूट्यूब पे अगर आप एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हो टाइमिंग क्या होती है और आपको दिन में कितनी सारी वीडियोस अपलोड करनी है मैं आपको सारा इस वीडियो में बताऊंगा। तो उसके लिए आप लोगों को एक भी सेटअप स्किप नहीं करना अगर एक भी छोटा सा पार्ट भी आप छूटाना तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा और आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएंगी तो पूरी वीडियो अच्छे से देखना ध्यान से देखना अगर समझ नहीं आती तो फिर से रिपीट करके देखना तो सबसे पहले आप लोगों को अगर वीडियो अपलोड करनी है तो वीडियो दिन में कितनी वीडियोस अपलोड करनी है और कैसे वीडियोस अपलोड करनी यूट्यूब पे कैसा कौन सा तरीका सही है अगर आपकी डेड चैनल है या आपकी नई चैनल है आपको कैसे सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं और कैसे आपको व्यूज़ लाने हैं अपनी चैनल पे सबसे पहले यहाँ पर आ रहा होगा आपका जो मेन ब्राउज़र होता है यूट्यूब का आपको उसी में जाना है और जो मेन कैमरा होता है यूट्यूब का वहाँ पर शॉर्ट सेक्शन ऊपर आ रहा होगा तो उसी से आपको कोशिश करनी है वीडियो अपलोड करने की तो ये पहला स्टेप है अगर आप यूट्यूब के अपने ब्राउज़र से अपने कैमरा से यूट्यूब का जो अपना कैमरा होता है यहाँ पर आ रहा होगा उसी से वीडियो अपलोड करते हुए उठाने की कोशिश करते हो पंद्रह सेकंड की वीडियो आपको सिलेक्ट करनी है एक मिनट पे उतना ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता क्योंकि मेरी खुद पंद्रह सेकंड की अच्छे खासी व्यूज़ में व्यूज़ आ गए मेरी सारी वीडियोज़ पर तो आपको पंद्रह सेकंड की वीडियोस सिलेक्ट करनी है और उसी से मेन कैमरा से वीडियो उठाना है तो ये पहला स्टेप हुआ तो दूसरा दूसरा स्टेप ये है कि अगर आप खुद बोलते हो तो खुद भी बोल सकते हो वहाँ पर आपको यहाँ पर आपको फिल्टर का भी ऑप्शन मिल जाएगा आप फिल्टर भी लगा सकते हो अगर आपको म्यूज़िक लगाना है तो म्यूज़िक आप कैसे लगा सकते हो ऊपर ऑप्शन आ रहा होगा एड टू म्यूज़िक एड म्यूजिक तो इस पर आपको क्लिक करना है और आपको ऊपर लिखना है सर्च बटन में नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक नॉन कॉपीराइट सॉन्ग्स या कोई रैप सॉन्ग आप कुछ भी यहीं पर लगा सकते हो अच्छे से तो आपने सिलेक्ट किया अगर आप म्यूज़िक डाल रहे हो या अगर आप खुद बोल रहे हो तो आपको म्यूज़िक डालने की कोई जरूरत नहीं है तो आपने म्यूज़िक भी डाल दिया अब आपको क्या करना है अपलोडिंग पे बात आती है यहाँ पर आपको टैग्स क्या लगाना है और लिखना क्या है आपको सबसे पहला मतलब क्या लिखना है आपको सबसे पहले लिखना हैश टैग एस एच ओ आर टी एस जो कि यूट्यूब खुद बोलता है अगर आप शॉर्ट्स लगाते हो हैश टैग लगा के तो मैं खुद इसमें व्यूज दूँगा तो आपको पहले शॉर्ट्स का हैश टैग लगाना है, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख के दे दूंगा आप वहाँ से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो हैश टैग शॉर्ट्स हैश टैग ट्रेंडिंग हैश टैग वायरल हैश टैग वो सारे मैं नीचे दे दूंगा जो कि बहुत ज़्यादा वायरल टैग्स हैं आप वो लगा सकते हो अपने टाइटल में आप वैसा लिख सकते हो और जिस टॉपिक पर आप वीडियो बना रहे हो उसका आपको ज़रूरी लिखना हैश टैग और चाहे आप बाइक पर वीडियो बना रहे हो हैश टैग बाइक हैश टैग स्टेंट्स ऐसी आपको कुछ भी लिख सकते हो तो हुआ सेकेंड पार्ट अब तीसरा पार्ट आपको दिन में सात वीडियोस तकरीबन अपलोड करनी है तो अगर आप दिन में सात वीडियोस मतलब सुबह के टाइम एक बजे तक अगर आपने सात वीडियोस अपलोड की और एक बजे के बाद आपने दो वीडियोस अपलोड की टोटल में आपको नाइन वीडियोस अपलोड करनी है उससे मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा उससे आपकी व्यूज़ कैसे बढ़ेंगे अगर आपकी डेड चैनल है वो कैसे ग्रो हो जाएगी तो अब मैं आता हूँ मेन पॉइंट पे टाइमिंग क्या है यूट्यूब पे अगर आप एक शॉर्ट वीडियोस ऐसे अपलोड करते हो जैसे मैंने आपको सारा प्रोसेस दिखाया आपको कैसे अपलोड करनी है तो मतलब किस टाइम पे आपको अपलोड करनी है सुबह के 10 बजे अगर आप अपलोड करते हो 10 बजे से लेकर साढ़े दस तक पक्का मतलब मेरी चैनल पे ऐसा हुआ मुझे खुद पता नहीं था मैं करता था बारह बजे एक बजे अपलोड तो उन पर व्यूज़ नहीं आते थे जब से मैंने दस बजे वीडियोज़ अपलोड करना स्टार्ट किए खुद यूट्यूब के कैमरा से उठाया और दस बजे मैंने वीडियोज़ अपलोड करना स्टार्ट किए तब से डेली मेरी मतलब हर किसी वीडियो पर मतलब व्यूज़ आना स्टार्ट हो गए बहुत सारे व्यूज़ आते हैं सब्सक्राइबर्स भी बढ़ गए एक दिन में मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स बढ़ गए सकते हो एक छोटे क्रिएटर के लिए एक दिन वन के सब्सक्राइबर्स एक थाउजेंड वन थाउजेंड सब्सक्राइबर्स कितना बड़ा नंबर है तो आपके भी बढ़ सकते हैं तो आपको सुबह दस बजे से लेकर साढ़े दस तक सात वीडियोज़ अपलोड करनी है बस इस प्रोसेस को अच्छे से सुनना सात वीडियोज़ आपने सुबह दस बजे से लेकर साढ़े दस तक मतलब आपको ऐसे जितनी भी आप बना सकते हो साढ़े दस तक आपको बनानी है सात वीडियोज़ आपने सात वीडियोज अपलोड किए हैं जो मैंने शॉर्ट्स आपको टाइटल में बोला शॉर्ट्स हैश टैग शॉट्स ये आपको सारे लगाने और अपलोड करने हैं फिर आपको शाम को क्या करना है पाँच बजे से शाम पाँच बजे से साढ़े पाँच तक आपको क्या करना है तब आपको फिर से जो जो वीडियो है दो वीडियोस तब आपको अपलोड करनी है पाँच से लेकर साढ़े पाँच तक उसमें भी अगर आग आप म्यूज़िक लगा रहे हो तो म्यूज़िक लगाना अगर नहीं लगा रहे हो तो नहीं लगा सकते तो जब आप सुबह की दस बजे से लेकर साढ़े दस तक और शाम के पाँच बजे से लेकर साढ़े पाँच तक वीडियोस अपलोड करते हो पाँच बजे आपको दो वीडियोज़ अपलोड करनी है सुबह के दस बजे सात वीडियो तो जो पाँच बजे आप वीडियोज़ अपलोड करते हो आठ से लेकर कर दस बजे तक आप लोगों को पक्का उसमें व्यूज़ आना स्टार्ट हो जाएंगे अचानक से तो सुबह की जो आपने वीडियोस अपलोड की होती है तो उसके नेक्स्ट डे मैं आपकी मतलब एक एक वीडियो में व्यूज़ आना स्टार्ट हो जाएंगे या तीन दिन में वीडियो उस पर व्यूज़ आना स्टार्ट हो जाएंगे तो वो यूट्यूब खुद करता है उस पर वीडियोज़ पर अच्छे खासी रीच देता है और उस पर व्यूज़ आना स्टार्ट हो जाते हैं तो आपको यही सारा मतलब प्रोसेस जो है इसको फॉलो करना है ऐसे ही आपकी चैनल पर व्यूज़ आना स्टार्ट हो जाएंगे बस थोड़ा सा सब्र करना अगर आपकी अगर आपने ये ट्रिक चेक की अच्छे से और वर्क की तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना आपकी चैनल पे इस ट्रिक ने कैसे वर्क किया आपको कोई मतलब अगर आप अगर कोई टैक यूट्यूबर होगा वो इस टॉपिक पे नाइन से टेन वीडियो ज़रूरी बनाएगा तो मैंने आपको टेन वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में बताई अगर आपको नई चैनल खोलें या अगर आपकी चैनल डेड हो गई है तो बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना बस ऐसी ट्रिक्स मैं अपनी चैनल पर नहीं बताता क्योंकि मेरा ये कॉन्टेंट ही नहीं है मेरा असल में कॉन्टेंट है मोटो व्लॉग का तो बहुत सारे डी आप लोगों ने किए कि उनके उनके लिए चाहिए ये वाली वीडियो अगर उनको भी अपनी चैनल ग्रो करनी है तो वो ऐसे कर सकता है तो बाकी हम क्या करते हैं बाकी वीडियो को यही पर करते हैं बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को क्या करना एक लाइक कर दो कमेंट कर दो शेयर कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया तो बाकी मिलते हैं हम आप लोग से और किसी नई सी अच्छी सी वीडियो में तक के लिए बाय